सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। तमाम विवाद और तीखी नोकझोंक के बीच आज भारत और चीन के रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं, जहां वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ऐतिहासिक वार्ता करेंगे। डोकलाम जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच टकराव चर्चा का विषय बना है, लेकिन आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो भारत चीन के बीच रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। अगले 24 घंटे में दोनों नेता 6 बार मिलेंगे और पर्सनल केमिस्ट्री की बदौलत आपसी रिश्तों की नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे। भारत चीन के बीच व्यापार काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत हर साल चीन से करीब 3.5 लाख करोड़ का सामान आयात करता है, जबकि चीन भारत से 1.06 लाख करोड़ का सामान आयात करता है। 2008 में चीन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया था। हालांकि मौजूदा वक्त में भारत और चीन के बीच एक बड़ा व्यापार घाटा पनपा है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी है। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच व्यापार में इजाफा हो रहा है। चाइनीज़ फ़ोन भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं, यही वजह है कि भारतीय मोबाइल पर अकेले चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत की मोबाइल मार्केट के 56% पर चीन का कब्जा है। दिल्ली मेट्रो में भी चीन कंपनी काम कर रही है, साथ ही पावर सेक्टर में भी चीन का बड़ा दखल है। करीब 80% प्रोडक्ट्स चीन से ही आयात किए जाते हैं। जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चीन जाने वाले हैं। योगी वहां चीन निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जा रहे हैं। गुजरात, कर्नाटक समेत भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां से चीन का सीधा कारोबारी हित जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश को देश के विकास इंजन बनने के लिए भी मोदी सरकार की नज़र चीनी सहयोग पर है। पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच रिश्तों को नया आयाम दे सकता है। पल्लवी, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।